हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 99। तो शुरू करने से पहले हम लास्ट टेक न्यूज़ का गिव अवे विनर निकाल देते हैं। आज के विनर बने हैं शालू क्रेजी। तो जी, शालू क्रेजी जी, आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मैसेज कीजिए और अपना क्लेम वाउचर ले लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की बढ़िया बढ़िया ताज़ा खबरें टेक इंडस्ट्री से। तो पहले न्यूज़ की बात कीजिए तो रियलमी 6 सीरीज और रियलमी बैंड आज लॉन्च हो गया। काफ़ी लोगों को पसंद आया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। पसंद आया Realme 6, बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया है। Helio G90T जो हमारे Redmi Note 8 Pro में था, वो इस प्रोसेसर यूज़ किया गया है। कॉस्ट शुरू होती है इसकी 13,000 से 4GB वेरिएंट की, 15,006 प्लस 64GB। और जो 6 Pro है वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। Snapdragon 720G के साथ लॉन्च हुआ है, 6GB वेरिएंट मिलेगा आपको उसमें 17,000 का। वैसे मुझे भी इतना बढ़िया नहीं लगा इनका Realme 6 Pro, क्योंकि भाई उससे बढ़िया हमें Poco X2 मिल जाता है, 1,000 सस्ता है और Snapdragon 730G ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हम करें Realme 6 Pro। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा और कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं लगी जो हम कहेंगे कि कंपेयरली Poco X2 को बीट करता है। मैं ये भी कहूँगा Realme X2 इससे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है अगर आप बाय करना चाहते हो 16,000 का Realme 6 Pro से। अच्छा, आप Realme X2 ही ले लो अगर आपने Poco X2 की तरफ नहीं जाना। बात करते हैं बैंड की। बैंड बहुत बढ़िया लॉन्च किया है 1500 रुपये में, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। Xiaomi से सस्ता निकाला है। बाकी जब ये मिलेगा हम इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कितना खास है और कितना बढ़िया है Mi Band 4 से। दूसरी न्यूज़ की बात की जाए तो Huawei Mate XS जो फोल्डेबल फ़ोन है, आज उसकी पहली सेल थी और सिर्फ 30 सेकेंड्स में सब यूनिट बिक गए। ऊपर से जो इनका चाइना में OLX है, मतलब जहाँ पर हम सेकेंड हैंड फ़ोन बेचते हैं, वहाँ उसकी कॉस्ट डबल पे लोग बेच रहे थे। मतलब 170,000 का फ़ोन लोग 320,000 300,000 के पास बेच रहे थे। तो ब्लैक की बात की जाए तो भाई चाइना वालों ने तो सबकी हदें पार कर दी, मतलब डबल कॉस्ट कर दी 170,000 का फ़ोन 300,000 में, रियली अमेजिंग। साथ में बात करते हैं TCL फोल्डेबल फ़ोन। बहुत पहले भी इसका लीक आई थी TCL फोल्डेबल फ़ोन जो डबल फोल्ड करता था। आज TCL ने इसका एक वीडियो डाला है सामने, बहुत ही बढ़िया फ़ोन लग रहा है। मतलब 10 इंच का ये बन जाता है एक टैब की तरह, दो फोल्ड भी कर सकते हो, सिंगल फोल्ड भी कर सकते हो। मुझे काफ़ी पसंद आया। देखते हैं ये सेल में लाते हैं या नहीं लाते, बाकी काफ़ी एक्सपेंसिव होगा तो शायद हमारे जैसे बंदों के बजट में ना आए। साथ में TCL ने निकाला है अपना एक न्यू रोलेबल डिवाइस जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप जैसे देख सकते हैं ये 6.75 इंच का है, मगर जब ये एक्सपैंड होता है तो नियर अबाउट 7.87 इंच का हो जाता है। मुझे ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो iPhone SE 2, जी हाँ iPhone SE 2, iPhone 9 से हम कह सकते हैं, कह रहे हैं फाइनल प्रोडक्शन पे पहुंच गया है, मतलब वेरिफिकेशन स्टेज पे, और ये जल्द ही आने वाला है। चाइना में जेंजो में जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पर ये इंडिकेशन आया है कि भाई ये फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। तो होपफुली ये मार्च के लास्ट डेज या अप्रैल के बिगनिंग में ये लॉन्च हो सकता है। जैसे हमें पता है इसकी कॉस्ट नियर अबाउट $400 तक होने के चांसेस हैं, मतलब 28,000 से 30,000 तक आ सकता है। और ये छोटा फ़ोन होगा, थोड़ा आईफोन 8 की तरह लगेगा। तो देखते हैं किस प्राइस पे लॉन्च करते हैं, कब लॉन्च करते हैं iPhone SE 2। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Nubia Red Magic 5G, ये कह रहे हैं इंडिया में भी आएगा। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया फ़ोन है ये। स्नैपड्रैगन 865 के साथ पहला फ़ोन है जिसमें रिफ्रेश रेट 144 होगा हर्ट्स, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। वाईफाई 6, LPDDR5, 12GB रैम और शायद इसमें 16GB रैम भी हो सकती है। ब्लैक शार्क 3 ने बहुत कमाल किया था अभी रिसेंटली प्राइस के मामले में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये उससे कम आ सकता है, क्योंकि ब्लैक शार्क की मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है Nubia की मार्केट से। तो देखते हैं कब तक ये इंडिया में लाते हैं और क्रिस प्राइस पे ये 12 मार्च को चाइना में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है सैमसंग S20 अल्ट्रा 5G। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था Mi 10 की कॉस्ट की कितनी कॉस्ट में इनको पड़ता है Xiaomi वालों को, नियर अबाउट $440 था। आज सामने आई है BOM सैमसंग S20 अल्ट्रा का, जिसका बनता है $528, जो नियर अबाउट बनते हैं 39,000 to 40,000। और ये कितना महंगा बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट आप देख सकते हैं, मतलब 90,000 का फ़ोन और कहाँ 39,000 की कॉस्ट। वहीं iPhone 11 Pro Max का भी सामने आया है BOM, जो बना है नियर अबाउट $490, तो मतलब 500 के पास मतलब 35,000 आप कह सकते हैं।
और आईफोन 11 प्रो मैक्स नियर अबाउट 1 लाख से भी ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कंपनीज कितना प्रॉफिट रखती है, और मी 10 मतलब एक तरह से उन्होंने 15,000 प्रॉफिट रखा है अगर उनके 440 को हम चेंज करते हैं और जो वेरिएंट देखते हैं, तो भाई शाओमी रियली ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखती एज़ कम्पेयर टू सैमसंग और आईफोन जैसी कंपनी से। तो इसलिए मैं कहता हूँ शाओमी रियली बहुत ही बढ़िया कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो मिक्स अल्फा जिसका कोड नेम है ड्रैको कह रहे हैं इसको अपडेट कर रहे हैं स्नैपड्रैगन 865 के साथ। मगर अभी तक जो लास्ट मिक्स अल्फा आया था स्नैपड्रैगन 855 प्लस तक उसकी सेल नहीं आई, सिर्फ शोरूम में पड़ा है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, कवर्ड है भाई बहुत छुपा के रखा है। बाकी कुछ इंटरनेशनल यूट्यूबर्स जैसे मिस्टर हूज़ द बॉस उनको दिया था, मगर इंडियन यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े हैं हमारे जैसे गुरुजी टेक्नोरोहेस भाई और भी काफ़ी कुछ, उनको हाथ भी नहीं लगाने दिया, बस दूर से दिखाया। ये गलत बात है भाई, अब देखते हैं स्नैपड्रैगन 865 शायद ये सेल में ले आए जैसे हुआवे मेट एक्स के साथ हुआ था, पहले लॉन्च किया मगर वो सेल में नहीं आया, जब सेल में आया तो वो कीरिन 990 5G वाला प्रोसेसर आ गया। न्यूज़ की बात कीजिए तो रेडमी नोट 9 प्रो उसमें कह रहे हैं कि शायद इंडिया में रेडमी नोट 9 आए, अगर 9 के साथ प्रो आता है तो स्नैपड्रैगन 720G के साथ होगा, मगर चाइना में इसका प्रोसेसर होगा मीडिया टेक 800 या 1000L, क्योंकि चाइना में ये अभी लॉन्च नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, और शायद इंडिया में भी सिर्फ अभी रेडमी नोट 9 ही लाएं, क्योंकि भाई रियलमी 6 प्रो आज के लॉन्च इवेंट और प्राइस के हिसाब से थोड़ा फ्लॉप दिख रहा है मुझे, और तो मेरे हिसाब से शाओमी को कुछ टक्कर लेने के लिए लाने की ज़रूरत नहीं है, पोको X2 इज़ इनफ। तो शायद सिर्फ रेडमी नोट 9 ही लॉन्च करें जो हो सकता है स्नैपड्रैगन 720G के साथ, और नोट 9 प्रो नेक्स्ट मंथ आए मीडिया टेक के ही प्रोसेसर के साथ। तो देखते हैं, मैं चाहता भी यही हूँ कि नोट 9 प्रो अगले महीने आ जाए, पर मीडिया टेक का 800 वाला प्रोसेसर लाएं या मीडिया टेक का 1000L वाला प्रोसेसर लाएं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 720G से, और हम कह सकते हैं वो 765G जो रेडमी K35G वेरियंट था उसके टक्कर का है वो प्रोसेसर, तो वो आएगा बढ़िया रहेगा, तो थोड़ा सब्र कर लें तो बढ़िया चीज़ मिल सकती है। फ़ोन बंदा हर रोज़ या हर हफ्ते या हर महीने नहीं लेता, तो सोच के लेते हैं लोग, तो मेरे हिसाब से अगर वेट करके बढ़िया मिले तो बहुत बढ़िया है। तो एक पोल रख रहा हूँ, आप बताइए स्नैपड्रैगन 720G चाहिए आपको या मीडिया टेक का 800 प्रोसेसर चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे मीडिया टेक का 800 प्रोसेसर मैं ज़्यादा सोचता हूँ, वो बढ़िया होगा, वही आए और एक महीने बाद भी आ जाए तो चलेगा। इंडिया में कोई काली करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, रियलमी 6 प्रो इज़ नॉट वर्थ, हमारा पोको X2 ही उसको बीट कर देगा इजली। तो आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक शुरू कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू टुमारो।